मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के विरुद्ध किए जा रहे प्रदेश व्यापी घंटानाद आंदोलन के दौरान इंदौर में भी भाजपाइयों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बीच इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर बैरिकेड्स तोड़कर भाजपाई अंदर घुस गए और गेट पर हवा में क्रिकेट का बल्ला भी लहराया। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने घंटानाद आंदोलन किया। इंदौर कलेक्ट्रेट पर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं ने झूमाझटकी करते हुए बैरिकेड्स फांदकर भीतर जाने की कोशिश की। इस दौरान एक कार्यकर्ता ने कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर खड़े होकर पुलिस प्रशासन को बैट दिखाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं खंडवा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान और नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, विधायक आकाश विजयवर्गीय, महेंद्र हाडिया सहित कई नेता मौजूद रहे, जिन्होंने कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। गरीबों का अनाज गरीब के थाली तक पहुँचाए, लेकिन इसको फुर्सत नहीं है। कमलनाथ सरकार सिर्फ तबादला खेल रही है। आज इस सरकार के खिलाफ ये जन जागरण का महाअभियान पूरे प्रदेश भर में घंटानाद के माध्यम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश सिंह जी के आह्वान पर पूरा प्रदेश आज आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर चुका है और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। हम खामोश नहीं बैठेंगे और कमलनाथ खामोश बैठेंगे। हमें खबर मिली है हमारी लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष देश की महिला नेत्री श्रीमती सुमित्रा महाजन जी भी आज इस आंदोलन में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए यहां पर पहुंच रही है। इस बेईमान सरकार को जगाने के लिए आज मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के कारनामे
में है। ये तो ऐसा आंदोलन है, हमने 15 साल तक प्रशासन चला के दिखाया है और वक्त में हमने शपथ भी ली है, हम तो चौकीदार है। प्रशासन अच्छा चले ये देखना हमारा भी काम है, और अगर कोई गड़बड़ करे तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी मैदान में है। बता दें कि सभी विधानसभाओं से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हरसिद्धि पर पहुंचे और यहां से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। आंदोलन की जानकारी पहले से होने के चलते बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। मेन गेट की भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन उग्र कार्यकर्ताओं ने पुलिस से झूमा झटकी की और बैरिकेड्स फांद कर भीतर जाने की कोशिश की। जिस तरह से वचन पत्र के नाम से इस प्रदेश की जनता को लूटने और ठगने का काम मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने चुनाव के पहले किया था, उसको लेकर के आज पूरे मध्य प्रदेश के 51 ही जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने एक सांकेतिक रूप से उग्र प्रदर्शन करने का प्रयास किया और किया भी। हम अगर आज देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इन 8-9 महीने में रास्ता देखते देखते कि अब ठीक हो जाए, अब इनकी अकल ठिकाने आ जाए, लेकिन इनके कानों तक जू तक नहीं रहेंगी। 9 महीने तक इस प्रदेश के अकर्मण्य मुख्यमंत्री भरी नींद में सोए हुए हैं, इनके सारे के सारे मिनिस्टर भ्रष्टाचार में लिप्त है। इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती कि प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर आक्षेप लगा रहा है, आरोप लगा रहा है, वो कह रहा है कि वो पूरी तरह से रेत माफिया है, वो कह रहे हैं कि वो शराब के धंधाखोरी में लिप्त है। निश्चित रूप से ये हमारा कर्तव्य है विपक्ष की भूमिका में रहने के नाते कि हम पूरी तरह से इस सरकार की नींद खोलेंगे, इसको जगाने का काम करेंगे। हमें सरकार गिराना नहीं गिराना ये अपनी जगह एक अलग बात है, हमको सरकार गिराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जनता के जनाधार का सम्मान करते हैं, लेकिन जनता का जितना अनाधार कांग्रेस की सरकार कर रही है ये बर्दाश्त हमसे नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 15 साल उन्होंने शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम किए। 125 योजनाएं ऐसी थी जो गरीबों के लिए थी, वो सारी योजनाएं सरकार ने बंद कर दी। मैं समझता हूं कि इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का पूरा हर विधानसभा से हजारों की संख्या में लोग निकले और आज हम कलेक्टर का घेराव कर रहे हैं। ये कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार है कमलनाथ की। कमलनाथ की जो सरकार है उसमें जो जन हित से कार्य थे, जो जनता के हित में दी जाने वाली योजनाएं थी, उन योजनाओं का रोक दिया गया है, उनका स्वरूप बदल दिया गया है और उनको इतना क्लिष्ट कर दिया कि आम जनता को जो मिलने वाली सुविधाएं थी वो सुविधाएं उनको मिल नहीं पा रही है। उनको बार बार आग्रह करा गया, हमारी परिषद के द्वारा भी आग्रह करा गया, जिसके अंदर 2 मंत्री हैं, उन लोगों से भी बोला गया, उसके अलावा विधानसभा में भी उनको बात संज्ञान में लाई गई, लेकिन उनके काम पे कुछ भी नहीं रही। मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को जनता के हित में सड़क के ऊपर आना पड़ा। घंटा नाद घड़ियाल के माध्यम से, ढोल मंजीरों के माध्यम से, संख्या बल के माध्यम से हर जिला स्तर के ऊपर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे उनके काम पे जू रहे। इस दौरान सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने जो भी वादे किए वो एक भी पूरे नहीं किए। वहीं नंदू भैया ने कमलनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार से ये अपेक्षा होती है कि वे जनहित के काम करे, जनता से जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करे। हमने मध्य प्रदेश सरकार को 6 माह से अधिक का समय दिया, इस सरकार ने चुनाव के पहले जनता से जो वादे किए वो एक भी वादा आज तारीख तक पूरा नहीं हुआ है। पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, सरेआम लूट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, मनमानी हो रही है और पूरे प्रदेश भर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कांग्रेस के मंत्री ही ये आरोप लगा रहे हैं कि बगैर पैसे लिए दिए काम नहीं हो रहा। देखिए इसमें सब नाद है, इसमें
नगाड़ा भी है, इसमें घंटी भी है, इसमें शंख भी है, इसमें दुदुम्बी भी है, हर प्रकार का वो वाद्य जो कुंभकर्णों को जगाने के लिए बजाया जाता है। कुल मिलाकर कमलनाथ सरकार के खिलाफ भाजपा अब खुलकर सड़कों पर उतर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।